जिया गुड न्यूज कम दे रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी हमें जाना है डॉक्टर के पास और पत्नी महारानी का इंतजार कर रहे हैं। कब निकलना है? और ये 2 मिनट का बैठा भगवान जाने, तो तब तक जाकर हम बाहर बैठते हैं। जब तुम्हारा हो जाए 2 मिनट तब बता देना, ठीक है? हो गया तब चलो। जी मेरे कान में क्या लग रहा है कि कोई घाव हो गया है, इस कारण क्या हो रहा है कि एकदम कान भारी भारी लग रहा है। जिया जो है 2-3 बार साफ भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी एकदम कान भारी भारी लग रहा है। तो लग रहा है कि अंदर में शायद घाव या कुछ हो गया होगा, तो वो तो डॉक्टर के पास जाकर के ही मालूम चलेगा कि क्या हुआ है। चले हो गया चलो। जी हम लोग तो गए थे डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ थे ही नहीं, तो हम लोग चले गए वहाँ से कहीं और। जी अभी हम आए हुए हैं यहाँ रिलायंस ट्रेंड, सामान खरीदना है। ठंड आ गई है, फुल टी शर्ट का जो है थोड़ा सा कमी है, क्योंकि कुछ फुल टी शर्ट जो है जहाँ पहले रहते थे वहीं पर छोड़ दिए थे। हाँ ये देख लो। अच्छा तो लग रहा है, ये तो और भी अच्छा लग रहा है, ठीक तो लग रहा है। जी हो गई हमारी खरीदारी, एक राज की बात बताते हैं, रुक जाइए खरीदे रुक जाइए। ये हमारे पास कूपन है रिलायंस ट्रेंड का, तो हम आए थे इस कूपन का इस्तेमाल करने के लिए। कूपन अब खत्म हो जाएगा, कूपन एक्सपायर हो जाएगा, तो यूज कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो ये 4 नवंबर पर ली थी डेट, असल में 4 दिसंबर से लगा। तुम ही आज सुबह बोली थी कि कूपन जो है मतलब एक्सपायर हो जाएगा जल्दी करो, तो हम देखे भी नहीं डेट, कितना झूठ बोलती है। हाँ जी नाम हर चीज में मेरा नाम फंसा देंगे, तुम्हारा नाम क्या, तुम गलती करके फंसाते हैं। तो जी यह कूपन जो है 4 दिसंबर से काम करेगा, तो ज़्यादा सामान नहीं खरीदे, तो हम कुछ ही सामान खरीदे हैं ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं खरीदे हैं। आप फिर 4 दिसंबर के बाद आएंगे तो खरीदेंगे, वैसे भी भाई का जन्मदिन आ रहा है। अब इनके लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, सिर्फ अपने देवर के लिए, इनके लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। जी हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, और पतिदेव आप क्या खा रहे हो? जब मन तब खाते रहते हैं सेब निकाल करके, है ना? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, खट्टा खट्टा सा सेब लग रहा है, लेकिन इनको बहुत अच्छा लग रहा है। खटाई जो है और मजा आ रहा है। हमको मीठा मीठा वाला अच्छा लगता है, खट्टा वाला, डैडी भी बोले नहीं अच्छा लगता है इसे। कोई बात नहीं हम निपटा देंगे। मार्केट का इतना चक्कर लग रहा है आपके। तो अपना भी सारा सैंडविच का सामान लेते आना, अब खत्म हो गया ब्रेड ब्रेड। जी जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए कि हम लोग कुछ मार्केट में जाकर के खाएंगे, लेकिन हम कुछ मार्केट में नहीं खाए, और आते आते शाम हो चुका था, तो डैडी को रोटी जो बचा हुआ था वो दे दिए खाने के लिए, और चावल भी कुछ बचा हुआ था जो हम लोगों ने नहीं खाया था, तो बचा हुआ था, सोचे उसको फ्राई कर देते हैं, मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बस वही हम फ्राई कर रहे हैं नाश्ता के लिए। देख ये देखो आपके लिए, आपको तो खाने में भी पहले भी बहुत पसंद आता था ना। अच्छा है। और जैसे ही हमारी पेट पूजा हुई तो हमें ध्यान आया कि हमें कंबल निकालना है। जी पिछले 4-5 दिन से हम लोग सोच रहे हैं कि कंबल निकालना है, बस सोचते ही रह जाते हैं, निकाल ही नहीं पाते। बिल्कुल जी, सुबह में कोई ना कोई काम आ जाता है तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो अभी ध्यान है कि नहीं चलो आज तो करना ही करना है, क्योंकि जब भी रात में सोते हैं ना बहुत ठंड लगता है हमें, और तो इनको थोड़ा सा ठंड भी लग गया है, सोचे आज तो निकाल के रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और जी कंबल इसने रख दिया अपने बेड के नीचे जी, और यह बेड को खोलना समेटना फिर से अरेंज करना जी, ये इतना माथापच्ची का काम है ना, आप लोग देखिए आगे कितना माथापच्ची, और ये गद्दा जी इतना भारी है, कोई पहलवान आकर भी इसको उठा ले तो हम समझ जाए उसको।
The next day. जी अब हमने अपना स्वेटर निकाल लिया है, जैसे कि दिया को भी आप देख रहे होंगे और हम भी पहने हुए हैं स्वेटर। जी अब आ गई है ठंड, दिन में तो उतना नहीं लगता है लेकिन जब सुबह सुबह उठते हैं 5-6 बजे के करीब, आज सुबह सुबह उठे इतना ठंडा लग रहा था। यही टाइम होता है परहेज करने का, इस टाइम सीजन चेंज कर रहा होता है, कुछ लोगों को लगता है ठंड है, कुछ को लगता है ठंड नहीं है, इसी में परहेज नहीं करते हैं और ठंड लग जाता है। खुद ही ये सब बात समझा के आए हैं। और जी पतिदेव ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सुबह सुबह पतिदेव छत पे आज जिम नहीं गया, तबीयत खराब है, क्या करेंगे थोड़ा सा एकदम शरीर सो लग रहा है, टूट गया है जैसे, ठंड लग गया ना लग रहा है शायद। और हाफ पहन के बॉडी दिखाओ सबको आप। कोई नहीं अभी धूप का आनंद लेने दो, ये सब ताना मत दो, बैठो तब तक। फिर भी आपको पता लग गया ना मैं इतनी ज्ञान भरी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि खुद ही ठंड लग गई और करेंगे क्या। फिर जी हम आ गए नीचे और पति देव के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं और डैडी के लिए और अपने लिए चाय बना रहे हैं। फिर जी नाश्ता करने के इनके साथ बैठे, लग रहा है डांट सुनने के लिए बैठे, इतना डांट लगा रहे हैं कि तुम चाय इतना पीती है, ये इतना करती है, मतलब चाय पीने के लिए छूट क्या मिल गया, मतलब दिन भर चाय ही पीना है तुमको। दिन भर कहाँ पीते हैं, एक बार तो पीते ही हैं। एक बार नहीं पीती है, 4 बार पीती है दिन में। बहुत बढ़िया, आप ज्यादा देख लेते। जिया गुड न्यूज कब दे रही है? ये क्या पूछ रहे हो? नहीं बता दो यार, अपने ही आदमी है, गुड न्यूज है तो बता दो। नहीं प्रेगनेंसी तो बता दो, क्या दिक्कत है बताने में, अपने ही आदमी है, अपने ही लोग हैं यहाँ पर। जी होता क्या है, यूट्यूब में इतना कमेंट आता है ना, और इंस्टाग्राम में भी स्पेशली, खास करके जब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी भी कोई अपॉइंटमेंट रहा डॉक्टर से और वहाँ ब्लॉग डालेंगे कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या कोई अपडेट डाल दी इंस्टा पर हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये सवाल आना शुरू हो जाएगा। जिया दीदी प्रेग्नेंट है क्या, कोई गुड न्यूज है क्या, भैया अपने ही तो आदमी है बता दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद कहेंगे कि अपने लोग छिपाना क्या हम लोगों से। जी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब भी ऐसा कुछ होगा सबसे पहले आप लोग को बताएंगे, ठीक है। लाइव में भी सब पूछते हैं। हाँ जी, और जब भी लाइव आते हैं हम लोग, इंस्टा लाइव आते हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे ब्लॉग के हर शुरुआत में हम बोलते हैं कि आप लोग इंस्टा पर आ जाइए, वहाँ पर लाइव आते हैं आप लोग, जो इस ब्लॉग की भी शुरुआत में आपने देखा होगा जो हम बोलते हैं, तो वहाँ भी जब आते हैं लाइव तो वहाँ भी सभी लोग पूछते हैं कि मैं बीमार होती हूँ ना कभी, स्पेशली जब ये बीमार हो जाएगी, तो कोई गुड न्यूज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो जी जब भी होगा ना यहीं पर बताएंगे और आप सभी को बताएंगे सबसे पहले। तो जी इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगर यह व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से सपोर्ट करें हमें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर बिल्कुल कर दे, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।